मिली देंगे नहीं पिछड़े मिली सरकार जमीन छीने चोरिए बोलो जो सरकार जमीन छीने जो सरकार नौकरी छीने सरकार पढ़ाई छीने जो सरकार शराबे बेचे जो सरकार चिट्टा बेचे जो सरकार निकम्मी है। साथियों मेरे अजीज चुने हुए नुमाइंदे और आजकल सारे इन्होंने सरपंच से लेके पंच सारी चीजें इन्होंने कैंची मार दी है। उनका इलेक्शन ही नहीं हुआ कि अपने इलेक्शन की कितनी चिंता है। ये डिजॉल्व नहीं होते। डिजॉल्व किसका होता है? सरपंच का, पंच का, काउंसलर का, कारपोरेटर का, इन चीजों के सारे हो गए तो एमएलए का हुआ ही नहीं। इनको अपनी बड़ी चिंता की हम जल्दी जल्दी कुर्सी में बैठे, इस पर नहीं बैठने देना। ये बात याद रख लेना, जो जुलम इन्होंने हमारे साथ किए ना, अगर इसका जवाब आप नहीं दे पाए तो मुझे नहीं लगता कि आपका हार कहते नहीं दिए है। खुदा ने दिए। पहाड़ किसने दिए? खुदा ने दिया। पानी किसने दिया? खुदा ने दिया। दिए किसको? पहले सबसे ज्यादा हक किसका है? जो वहां रहता है, उसके नजदीक रहता है। महाराज साहब के जमाने में 48 में आई वाज 11th क्लास स्टूडेंट, आई फॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मेरे पास दाढ़ी भी नहीं थी, मैं जेल में था। क्या बात करते हो, लीडर ऐसे बन जाते हैं और ऐसे एक मिनट में लॉटरी का माल बन गए और फैसले करने शुरू हो गए हमारे। तो मेरा कहने का, बड़ी तरक्की हुई। कहते बड़ी तरक्की है, आजकल बोलते कि बड़ी तरक्की की हमने। और तरक्की क्या है? जितने पावर प्रोजेक्ट है इसका कंट्रोल किसके पास है? कौन मजा ले रहा है? आपकी दिहाड़ी नहीं लग रही लोगों की। शावले, पोगलेन, ड्रेगलेन, स्टिपर, डंपर सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप बेरोजगारों की तरह घूम रहे हो अपने इलाके में। तो हमारा कहने का, जब मैं था एमपी, याद करो तो उसने किसको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? वो इंट्रो होता था एंट्रेंस प्रोफेशनल कॉलेजेस का, प्रोफेशनल एजुकेशन का, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। छीने जो सरकार नौकरियां छीने, जो सरकार पढ़ाई छीने, जो सरकार प्रोजेक्ट छीने, नौकरियां छीने, जो सरकार शराब के ठेके खोले, जो सरकार चिट्टा बेचे, जो सरकार सारी यूनिवर्सिटियों के चांसलर लगाए बाहर के, देख रहा हूं। पहले लड़की आती नहीं, आए तो आप तंगी बड़े करते आप लोग यार। अब आ गया लड़के, पीछे हो जाओ। बीबीसी चेयरमैन शान से जिएंगे, शान से मरेंगे, क्या चीजें हैं? हम क्या मानते हैं इनको? आई नेवर केयर। ये चीजें गलती इसलिए हमारी सबकी है कि हम लोग खड़े नहीं रहते, यूनाइटेड नहीं रहते, और जब कोई तकसीम करने आता है हम एक मिनट तकसीम हो जाते हैं। जो हालात है उन हालात को पेश नजर रखते हुए यहां पूरे मुल्क में एक अलायंस बना है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। मैं खासकर नेशनल कांग्रेस के जो कारकुनान हैं, जिनको आज यहां बुलाया गया है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का निशान इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नहीं होगा, ये आप गौर से सुनिए। इसलिए हमने दूर दूर से जितने भी हमारे लोग हैं, क्योंकि यहां से वहां तक आवाज नहीं पहुंचती है, वक्त हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, और आप जानते हैं कि कठुआ से लेकर उधमपुर से लेकर डोडा से लेकर किश्तवाड़ के सुखना और सुमचान तक इसमें महीनों लगते हैं, मगर एक साजिश के तहत यहां इस पार्लियामानी इंतखाब में एक साजिश के तहत फर्स्ट फेज में ये रखा गया ताकि हमारी आवाज जो है हर जगह दूर दूर तक ना पहुंचे। जहां तक आज के इलेक्शन का ताल्लुक है कि ये
कोई आम इलेक्शन नहीं है। जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो तानाशाही का दौर दौर है, आप जानते हैं यहां चीफ मिनिस्टरों को नहीं बख्शा जाता है। कई हमारे चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर जो है जो बीजेपी की बोली नहीं बोलते हैं, जो बीजेपी का साथ नहीं देते हैं, वो इस वक्त जेलों में है। किस तरह से पूरे मुल्क में जो इनका साथ नहीं देते हैं, कैसे सरकारें गिराई जाती हैं, कैसे तानाशाही जो है, कैसे ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है। बदला लेने का वक्त आया है। खासकर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से यह अपील करता हूं, जो हमारे साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं हुआ है। हमें हमारे तशखस को पामाल कर दिया है 370 35 है, और उसके बाद रियासत को डाउनग्रेड करके यूटी में चेंज कर रहा, और ये कहना कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया है। एक आदमी को यहां रखा गया है, वो पूरे जम्मू कश्मीर को चलाता है। 8 साल से 10 साल से ब्यूरोक्रेटों के हार आम तो कर दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं है, गुनाह कर दी है। में जाओ और पावर प्रोजेक्टों में जाओ, सिर्फ एक आवाज है, वो बीजेपी जो उनकी बोली बोलता है उसी को वहां काम मिलता है, उसी को वहां रोजगार मिलता है। और नया खेल आपने देखा पिछले दिनों, एक नया खेल सामने उभर के आया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आपने देखा कि 12,000 करोड़ बीजेपी के अकाउंट में चला गया है, नाम दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। ये देखिए करप्शन को कैसे लीगलाइज किया है। हमने आज तक सुना था कि 50,000 लाख की करप्शन होती है। जब वो किताब खुली, उस किताब में हजारों करोड़ों रुपया जो है कंपनी ने दिया है, आपकी मेगा कंपनी, आपकी मेगा कंपनी जो यहां काम कर रही है धर्मशाला में, 1398 करोड़। जिनको सुनना चाहते हैं, मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, वो ये है कि आपका वोट, ये वोट जो है ये बहुत बड़ा हथियार आपके पास है। ये तलवार और बंदूक से भी खतरनाक हथियार है। बड़े बड़े सुरमा जो है इस वोट से बनते हैं और गिर भी जाते हैं। वक्त आया है, ये बार बार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको 5 साल में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुल्क के हालात और रियासत के हालात इनको मद्देनजर रखते हुए, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप बाशूर लोग हैं, आपको पता है हालात किस किस्म के हैं। और वक्त आ गया है कि इस बीजेपी को हमने पिछाड़ना है। इसके लिए हम सबको उचित होकर जो है ज्यादा से ज्यादा वोट जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जाना चाहिए। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ